ये वीडियो हुंडई सोनाटा 2500 सीसी ओनर रिव्यूअर है जी। तो सर आपने ये गाड़ी कितने की ली थी? ये गाड़ी मैंने 72 लाख मतलब 72 लाख की ली थी, 7.2 मिलियन की, जो टैक्सेस वगैरह मिलाकर 76 लाख की मुझे पड़ी, जिसमें 1.5 लाख टैक्स था और 3.5 लाख की रजिस्ट्रेशन पड़ी। इसमें किसी किस्म की इंश्योरेंस शामिल नहीं है। आपके पास इसी प्राइस ब्रैकेट में और भी गाड़ियां लेने की ऑप्शन थी, फिर आपने डी सेगमेंट की गाड़ी में सिर्फ सोनाटा 2.5 को ही लेना जरूरी क्यों समझा? सर इसके अलावा मेरे पास कैमरी की ऑप्शन थी जिसकी प्राइस 1.27 करोड़ है, और आपको भी पता है कि मैं उसे फॉरेन कंट्री से इम्पोर्ट करवाने लगा था। मगर जब आपको उसी से गाड़ी मिलती जुलती हाफ प्राइस में मिल रही हो तो व्हाई डोंट यू कंसिडर सोनाटा 2.5? हम अगर आप सोनाटा को कैमरी के साथ कंपेयर करें तो नो डाउट उस जैसी 100% गाड़ी तो नहीं है, लेकिन आसपास आती है लग्जरी कंफर्ट ड्राइव के लिहाज से। लेकिन अगर रूरल एरिया की बात कर ली जाए तो वहां पर सोनाटा के शाख के सॉफ्टनेस का कंपैरिजन नहीं है कैमरी के साथ। इस गाड़ी के मीटर को मैं देख रहा हूँ, गाड़ी 25,000 चल चुकी है। तो यार इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज क्या है? आपने अब तक इस गाड़ी को जितना ड्राइव किया है, अगर इस गाड़ी को मैं लाहौर रिंग रोड पे चलाऊं तो मुझे ये 12-12.5 की एवरेज देती है, और यही गाड़ी रश में ड्राइव करते हुए 9-10 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है, और लॉन्ग पर ये गाड़ी 13.5-14 की एवरेज देती है। और इसी गाड़ी पे एक बार 14.5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज भी ली 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। मैं 120 की स्पीड पर इसी गाड़ी पर इस्लामाबाद गया, मुझे 15.5-16 किलोमीटर की एवरेज भी मिलती रही है। बेशक ये गाड़ी एवरेज के लिहाज से बहुत अच्छी गाड़ी है। अब इस गाड़ी में इश्यूज की बात कर लेते हैं। लोगों के लिहाज से इस गाड़ी में कोई लिंपिंग इशू आया था, मतलब चेक लाइट्स ऐसे ही वो खुल जाती थी जिसकी वजह से लोग काफी परेशान थे। आपने अपनी गाड़ी में क्या वो इशू फेस किया है? जी हाँ सर, ये इशू मैंने फेस किया था जब मेरी गाड़ी 13-14 हजार किलोमीटर चल चुकी थी। जी तो ये तब की बात है जब मेरी गाड़ी 13-14 हजार किलोमीटर चल चुकी थी, और एक बार सुबह टाइम मैं घर से बाहर किसी काम के लिए जा रहा था, तो मैंने क्या देखा कि अचानक से मेरी गाड़ी की सारी चेक लाइट्स ऑन हो गई है और मेरी गाड़ी की स्पीड भी 10 पर आ गई है। इसके बाद मैं अपनी गाड़ी को ह्यूंडई की डीलरशिप पर ले गया जो मेरे घर से 5 किलोमीटर के फासले पर ही थी, लेकिन चूंकि इस वक्त मेरी गाड़ी 10 की स्पीड से ऊपर नहीं जा पा रही थी तो वो 5 मिनट का सफर भी मेरे लिए आधे घंटे के राउंड अबाउट जा बना। तो उनके पास ले जाने पर जब मैंने चेक करवाया तो उन्होंने मुझे कहा कि इसकी थ्रॉटल बॉडी चेक करनी पड़ेगी। तो उन्होंने थ्रॉटल बॉडी निकाली तो वो बिल्कुल अंदर से काली थी। उन्होंने मुझे खुद दिखाई, उन्होंने फौरन मुझसे पूछा ये क्या है। मैंने उन्हें जवाब दिया कि मुझे क्या पता होगा, मैं तो खुद अब देख रहा हूँ कि ये थ्रॉटल बॉडी है जो मुझे आपसे पता चली। नहीं, उन्होंने फिर मुझे पलट कर जवाब दिया कि ये थ्रॉटल बॉडी तो है लेकिन थ्रॉटल बॉडी के अंदर क्या है। फिर आगे से परेशान होकर इन्हें क्या जवाब देता, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप गाड़ी में कौन सा फ्यूल डलवाते हैं, तो मैंने फिर उन्हें जवाब दिया कि मैं हमेशा से कई सालों से PSO पंप जो मेरे घर के साथ ही है उनसे अपनी कई गाड़ियों में पेट्रोल आज तक डलवाता आया हूँ, लेकिन इस तरह का इशू तो कभी नहीं आया। ये सुनने के बाद डीलरशिप वालों ने चुपचाप मेरी गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी को अच्छी तरह से साफ किया जो कि काली हो चुकी थी, और फिर उन्होंने कहा कि अब आपने आज के बाद इस गाड़ी में सादा पेट्रोल नहीं डलवाना बल्कि हाई ऑक्टेन ही यूज करना है। अच्छा, इसके अलावा मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि सुनने में आ रहा है कि लोगों को अक्सर इसमें इशू आ रहा है कि इस गाड़ी में जो टायर है वो बहुत जल्दी फूल जाते हैं और इस पर फोड़े बन जाते हैं, क्या आपने इस तरह का कोई इशू अपनी इस गाड़ी में एक्सपीरियंस किया है? इस तरह का एक्सपीरियंस मैं अपनी गाड़ी में कोई 3 दफा कर चुका हूँ, जिसमें शुरू में जब नई गाड़ी ली थी तो पहली दफा जब टायर खराब हुए थे तब तो मैं आपके साथ ही गया था, हवाई की डीलरशिप से अपने टायर तब्दील करवा लिए थे, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक 2 दफा मैं अपनी इन्हीं टायर्स को रिपेयर करवाता आया हूँ, मगर ये इशू अब तक अनरिजॉल्व है। ह्यूंडई डीलरशिप वालों का कहना है कि आपने इन लो प्रोफाइल टायरों को जोर से किसी खड्डे में मारा है। हालांकि मैं इनकी स्टेटमेंट पर हैरान कौन हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं और भी बहुत ज्यादा जर्मन गाड़ियां रख चुका हूँ जिनका टायर बहुत ही ज्यादा लो प्रोफाइल था, लेकिन आज तक मैंने इस तरह का इशू ना कभी महसूस किया ना कभी एक्सपीरियंस किया। यार इस पर मैंने रिसर्च की है तो पता चला कि ये बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल टायर हैं जो पाकिस्तान की टूटी हुई सड़कों पर चलने की वजह से बहुत जल्दी फट जाते हैं, तो अगर आप इस पर एक प्रोफाइल और टायर डलवा दें तो फिर ये कभी भी इशू नहीं आएगा। मैं ये कंपनी से सवाल करता हूँ कि जब ये गाड़ी मैंने 76 लाख रुपए की ली है तो मैं 2 लाख और भी ऊपर भरने के लिए तैयार हूँ, हमसे कुछ पैसे ये कंपनी वाले लेकर हमें शुरू से ही बहुत अच्छी चीज क्यों नहीं प्रोवाइड करते कि हमें आगे चलकर फ्यूचर में धक्के ना खाना पड़े। नहीं देखे ना, ब्रांड तो उन्होंने टायर का बहुत अच्छा दिया है, अब ये पाकिस्तान में चलने के लिए नकारा है इसका उन्हें नहीं पता हो ह्यूंडई वालों को। हाँ जी और बताएं, इसके अलावा कोई और इशू जो आपने फेस किया हो? जी इसके अलावा मेरी गाड़ी में रस लग रहा है, आई डोंट नो, अगर कराची में मैं होता फिर तो ये बात समझ में आती थी कि वहाँ पे नमी बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ लाहौर में क्यों रस लग रहा है इसका ह्यूंडई डीलरशिप वालों के पास भी कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा बाकी गाड़ी क्या इलेक्ट्रिकली ठीक है? जी वैसे तो गाड़ी बिल्कुल ठीक है, लेकिन गाड़ी के एयर कंडीशन में ब्लोअर की थोड़ी सी ज्यादा आवाज आती है कोई स्टीरियो टाइप की, और इसके अलावा इसकी कूलिंग का भी थोड़ा सा इशू है, मतलब अगर इस गाड़ी को किसी और गाड़ी मार्क एक्स के साथ कंपेयर करें तो जैसे ये अभी
22 डिग्री पर एयर कंडीशन चल रहा है तो दूसरी गाड़ी ज्यादा ठंडी होगी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि हुंडई सोनाटा का ये जो एयर कंडीशन है इसकी कूलिंग में थोड़ा सा फर्क है। इसके अलावा गाड़ी की मेंटेनेंस के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। पार्ट्स इसके महंगे हैं क्योंकि ये अभी तक लोकल मार्केट में आए नहीं। इसकी मेंटेनेंस मैं लोकल करवाता हूँ इसलिए मुझे इसका फिल्टर कोई 7,500 रुपए का पड़ जाता, टोटल मुझे कोई ये 12,000 कॉस्ट पड़ जाती है मेंटेनेंस की, जो मैं हर 7-1,000 किलोमीटर के बाद करवा लेता।